कुंवर जी भाई बावलिया, जी सर आप एक्स मिनिस्टर एंड एमएलए फ्रॉम जसदण। जी सर, इतनी एक ट्रेजिक इंसिडेंट हो गई है और हमें जो बताया जा रहा है वो ये है कि ये जो ब्रिज था इसको रेनोवेट करने का काम सरकार ने दिया था, पर जो कंपनी थी उसने किसी तरीके का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। आपको क्या लगता है कि सरकार अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो रही है कि सही बात है? नहीं, वो तो मुझे मालूम नहीं है, सर्टिफिकेट लिया नहीं लिया वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो जो घटना घटी है वो एक मानव सहज एक दुखद घटना हुई है, तो इनमें क्या हुआ है वो तो सर्च के बाद मालूम होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ये सीरियसली मैटर लिया है और खुद सीएम भी यहाँ है और गवर्नमेंट के पूरे प्रतिनिधि भी यहाँ है, इनके बारे में आगे जो सर्च करके जो कुछ ही इनमें जिम्मेदार होंगे इनके करेंगे। लेकिन अब ये घटना हुई है वो तो सबके लिए, परिवारों के लिए दुखद घटना हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर, दुखद तो है, काफी बड़ी इंसिडेंट है, बट सर अकाउंटेबिलिटी भी पिन करना बहुत जरूरी है। आप ये बताइए, नहीं नहीं सर, एक ब्रिज जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है 400 लोग लेने की, इनको किसने परमिशन दिया था? वो तो सर 140 फैमिलीज ने अपना जीवन खोया है, ये जरूरी है सवाल को सरकार को ये सवाल आंसर करना। देखो वो तो अभी सर्च करते क्या किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है वो सर्च करने के बाद वो मालूम होगा, बाद में गवर्नमेंट भी इनमें सीरियसली लेंगे।